टास्क को जो भी गैंग सबसे पहले कम समय में कंप्लीट कर देता है उस गैंग को मिलेगी पार्शियल इम्यूनिटी, व्हिच मींस एक को छोड़कर बाकी सभी गैंग मेंबर्स को इम्यूनिटी. नेहा, गोइंग विद द गैंग स्ट्रेंथ? मुझे कहीं पे लगा था कि मेरी गैंग इंटेलिजेंस चूज करेगी, बिकॉज कई लोगों को बैकग्राउंड है दैट दे'ड बी एबल टू क्रैक इट, बट it's nice. Let's go with what they're feeling confident in. So you're saying your comfort is strength? No, my comfort is my gang's comfort. So gang's comfort is strength. अब जब ये decide हो ही गया है कि किसका क्या test होने वाला है, रणविजय हमें ये भी बता दीजिए, who's gonna go first, second, and third? Neha's gang, you go first, and you go second, friends. Fair enough. Fair. Okay. All right. On that note, gang Neha, तैयार हो जाइए. आपका task सबसे पहला है. जैसे कि मैंने कहा, लड़की बनी होगी वहां उस फोर्ट पर, और यहां मेरे सामने है सिएट टायर्स की एक लैडर. लड़के को अपनी स्ट्रेंथ यूज करके इस लैडर को ऊपर खींचने हैं. जैसे जैसे आप इस लैडर को ऊपर खींचेंगे इसका वजन और बढ़ता जाएगा. जैसे ही लैडर वहां पे पहुंच जाएगा, लड़का इस लैडर की मदद से ऊपर चढ़ेगा, लड़की को रेस्क्यू करेगा, नीचे आएगा और फिर लड़की को भी नीचे ले आएगा. All right. On that note, gang Neha, तैयार हो जाइए. Let's go. Come on, guys. Good luck, everyone. Good luck. नेहा मैम ने और हमारे मेंबर्स ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई कि शेन नीचे रस्सी को खींचेगा और ऊपर मैं होंगी. टास्क के पहले मैं बहुत पम्प्ड अप था, बिकॉज ये मेरे लिए पर्टिकुलरली ये मेक और ब्रेक सिचुएशन था. मुझे पता था अगर मैं अभी इस टास्क को नहीं जीत पाता हूँ तो मेरी जर्नी शायद यहाँ खत्म हो सकती थी. जल्दी वापस नीचे आना, बिकॉज द टास्क फिनिशेस व्हेन शी टचेस. आई नो सो आई हैव टू पुल हर बैक डाउन. या आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा इसको, बिकॉज इस टास्क में हमें इम्यूनिटी जीतना बहुत जरूरी है एंड सब कुछ मेरे शोल्डर्स पे रेस्ट करता है. सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ दैट आई एम गोना डू इट. गैंग नेहा, आर यू रेडी? यस. ऑलराइट, आपका वर्क शुरू होता है. केलिन ने विसल बजाई तो मुझे वो एक फुटबॉल मैच की तरह नजर आया, जहाँ रेफरी विसल बजाता है एंड वी आर ऑल पम्प्ड एंड मोटिवेटेड टू यू नो कम्प्लीटली नेल इट. तो मेरे अंदर भी यही था कि अगर मुझे आज बचना है तो मेरे पास एक ही चारा था एंड दैट इज टू विन द टास्क. कम ऑन शेन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, नीचे का खींच, नीचे का खींच. नो 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 नो, द अदर वन, द अदर वन, द अदर वन, पुल इट, पुल इट, या या या, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, पुल इट, कम क्लोजर, पुल दिस शेन, नाउ पुल द टॉप वन, पुल द टॉप वन, पुल द टॉप वन. जो टायर के लेडर जमीन पे बिछे हुए थे वो रस्सी से पुल करके उसे लॉक करते हुए ऊपर चढ़ाना था. पीछे से मेरे गैंग मेंबर्स एंड जो बाकी के भी गैंग लीडर्स थे, एवरीवन वाज पंपिंग मी, मोटिवेटिंग मी, सो आई फेल्ट रियली गुड, यू नो, कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू एवरीवन व्हाट शेन इज. यस, कम ऑन शेन, कम ऑन, कम ऑन, नाइस वन शेन, गुड 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 गुड, कम ऑन शेन. शेन बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म कर रहा था. गिव इट ऑल यू गॉट, कम ऑन शेन, वन मोर, वन मोर, लॉक कर, वन मोर शेन, वन लास्ट वन, इट हैज टू गो अबाउट द प्लैंक, इट हैज टू गो अबाउट द प्लैंक, स्लाइटली अबाउट द प्लैंक, लिटिल मोर शेन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. मुझे लग रहा था खड़ी खड़ी होके कि अभी शेन आ जाएगा और मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर लेगा और हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट जो टायर था वो ऊपर नहीं जा रहा था. जब टायर्स वो प्लैंक के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए थे तो उस पॉइंट के बाद ये जो नॉर्मल पुलिंग की मेरी टेक्निक थी वो काम नहीं आ रही थी, तो तब मुझे पता चल गया कि आई नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. यूज योर बॉडी वेट, कम ऑन, गिव इट, कम ऑन, यूज योर बॉडी वेट, कम ऑन, पुट पुट योर फुट हियर, पुट योर फुट हियर, पैर लगा, पैर लगा. जब वो पुल कर रहा था एनर्जी बहुत थी बट इट वाज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वो बस इतना दिखा रहा था कि वो एग्रेसिव है, वो स्ट्रेंथ उसके पास ताकत बहुत है, बट दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था. इतना डिस्टेंस जब रह गया था बिटवीन द प्लैंक्स एंड द टायर्स, वो डिस्टेंस मेरे लिए एक माउंट एवरेस्ट के समान हो गया था
It was a case of so near, yet so far. दिखने में जितना वो इजी लग रहा था उतना इजी था नहीं, तो हम लोग को थोड़ा टेंशन हो गई थी कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा परफॉर्म कर रहा तो भी उससे नहीं हो रहा, तो लक का और इंटेलिजेंस का कैसा होगा। 2-1 गो। चल 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 जल्दी 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 थोड़ा रिफ्लेक्शन जल्दी। हमारा टास्क शुरू हो गया था एंड मुझे डर लग रहा था फर्स्ट स्टेज पे क्योंकि मैंने कभी गुलेल नहीं चलाई। नाइस रेडी, नाइस वन जयंत। मैं पहले गुलेल चला चुका हूँ, अब मुझे आइडिया था कि किस तरह से मुझे एम करना है, और मैंने जैसे निशान लगाया तुरंत तुरंत मैंने सीसा फोड़ डाला। वहां पर जब सैंड उस कढ़ाई में गिरी उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि वो कढ़ाई कितनी गर्म है। फटाक से वो सारे तीन कोड्स निकाल लिए और अपनी लॉक की ओर पहुंचा। जब तक वो लॉक की ओर पहुंचा था तब तक हामिद और माइकल मार ही रहे थे। Come on, हामिद। Yes. फिर मैंने पहला तोड़ा एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ उस वक्त। गैंग जब तक लॉक खोलता है ये देखते हैं कि हामिद भी दो शॉट्स मार के वो बॉक्सेस तोड़ देता है, और वो एक बॉक्स दूर है उसको तोड़ने से। जब मैंने तीसरे पे निशाना लगाया तो वो शीशे पे नहीं बॉक्स पे लग के पीछे आ गया। मैंने कहा शिट यार। फिर से निशाना लगाया एंड उसी वक्त टूट गया। मैं गया आगे, मैंने अपने नंबर्स ढूंढना शुरू किया। रेत काफ़ी गर्म थी उस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ये था कि जल्द से जल्द तीन नंबर ढूंढो। चल हामिद भी निकल गया एंड आई वॉज द ओनली वन स्टक ऑन द फर्स्ट स्टेज। मैन आई नीडेड टू कैच अप। It has to, sand has to fall, you know that. Run, it's packed with sand, it's broken through. The others don't have... Nick, hit it. That's done. Last one. मैंने दो वो glass panes को मारा और वो टूट गया, पर तीसरा pane जब मैं मारा वहाँ लटक गया वो marble. I didn't know what to do. Come on, JD. इसके बाद पहुँचा है जयंत उस वेट को खींचने वाले एलिमेंट पे। जयंत उस वेट को खींचने के बजाय उस रस्सी को खोलने लगता है कहीं ना कहीं, और हम कुछ बोल नहीं सकते, बट हमें मनी मन में लग रहा है कि जयंत तू क्या कर रहा है ये? गठान बांध। जयंत तुम्हें रस्सी खोलनी थी, तुम्हें उस रस्सी को बांधते हुए ही उस बोरी को ऊपर करना था। उस रस्सी को खोलने वक्त उसने काफी समय लूज कर दिया। मेरी शुरुआत काफी खराब थी। We were on the back foot. Faster. जब मैं मिट्टी में हाथ डाला, it was
hot और उसमें ग्लास पीसेस भी था. I was making sure that my hands don't get hurt so I could also do the next stages. तो मैंने समझाया ना कैसे करना है ना? चल तो मैंने समझाया ना कैसे करना है. हाँ वो वैसे ही कर रहा है, सीखो सिंपल सिंपल नो करना नहीं. हाँ बस अब रोल करना शुरू कर दे, रोल करना शुरू कर दे नीचे से, नीचे वाली जगह से रोल कर. हामिद ने भी वो बोरी खींचनी शुरू कर दी थी, पर हामिद ने दिमाग लगाया था क्योंकि प्रिंस सर उसके गाइड करते हुए पहली बोल चुके थे कि हामिद रस्सी मत खोलियो. हामिद ने वो रस्सी खोली नहीं, इसलिए हामिद ने इस टाइम पे काफी अपना वक्त बचा लिया. जैन बांध यार. फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हर जगह हमारी लाइफ में काम आती है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना तो आप कहीं ना कहीं मार खाओगे ही खाओगे. जयंत बहुत आगे था लेकिन वो गया अगली स्टेज पे और उसने सारी रस्सियाँ खोली, खोल के फिर रस्सी को खींचा, फिर दोबारा बांधा, फिर दोबारा गांठ मारी. जेडी बस वो अटक गया, छोड़ उसको पहले पे जा. पहला वेट था वो एक मार्क के ऊपर जाना चाहिए था, तो ही हैड टू कम बैक टू द फर्स्ट वेट टू टाई इट अप. सो आई थिंक हमारी टीम लॉस्ट अ फ्यू सेकंड्स आउट देयर. घुमा दे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. चल 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 हामिद 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 दो रोल और. मैंने जल्दी से तीनों वेट्स ऊपर किए, हमको नंबर मिला, हम पहुंचे नेक्स्ट स्टेज पे. वहां उस आइलैंड पर आपके गैंग के कलर के ट्यूब्स रखे हैं. एक रोडी होगा डेजिग्नेटेड स्विमर. स्विमर को आइलैंड के इस पार से लेके उस पार रस्सी ले जानी है और वहां पर ट्यूब से उस रस्सी को अटैच करना है. आइलैंड के इस तरफ होगा आपका दूसरा रोडी. उसका काम होगा कि वो उस ट्यूब वाले रस्सी को अपनी तरफ खींचे. जैसे ही ट्यूब दूसरे रोडी के पास आ जाता है उसे रोप को उसे डिटैच करना है और भागते हुए वहां आपके पीछे उस प्लैंक के पास जाना है. अगर आप वहां सामने देखेंगे वहां पर लगे हैं 7 पोल्स. These 7 poles represent 7 forts. आपको अपने गैंग के 2 कलर के ट्यूब्स स्टैक अप करने हैं टू कैप्चर दैट पोल एंड दैट फोर्ट. कोई मेले में गया है यहाँ पे? ये खेला हुआ है आपने? Yes. रिंग, साबुन जीते हो, बिस्किट का पैकेट. सिमिलर टू दैट, जस्ट दैट अ लॉट मोर इज एट स्टेक राइट नाउ. जाहिर सी बात है जब आप ये करने की कोशिश कर रहे होंगे देयर विल बी अ फ्यू मिसेस. तीसरे रोडी को जमीन पर गिरे हुए ट्यूब्स को, अपने गैंग के ट्यूब्स को कलेक्ट करना है और लंबे रास्ते के थ्रू आइलैंड तक इन ट्यूब्स को वापस पहुंचाना है. जो कोई भी 7 में से 4 फोर्ट्स पहले कैप्चर कर देता है विंस पार्शियल इम्यूनिटी. करना क्या है? आप करोगे रिंग टॉस. ठीक है? Yes sir. You want to do the collection and putting it there? Yeah, yeah. Yes sir. He's going to do it. He's going to do it. He's going to sprint. You chill. Yeah. You relax. Yeah. Okay. Now we'll start with you. आपको एक हार्नेस से कुछ दिया होगा and a full safety vest is there. Even with the vest you're faster than these guys. Yes sir. You are? Yes sir. Okay. You put the vest. Hmm. You'll have to do it. The yours is the maximum. Yes sir. Can you do like 50 lengths? Yeah, I will do it sir. I will do it. अगर but I think उन्हें कहा भी ना कि आधा तक भी आ सकते हैं. तो मैं इसको बता रहा हूँ कि देखो वो कैरेबिना से वो जब आग आएगी उसने वहीं से जैसे ही कर दिया लॉक आप खींच लो, खींचने में जान नहीं लगेगा. ऐसे कुछ ऐसे मत कर लेना कि खींचने में जान हो. यहाँ खींच लिया, इसलिए उसको निकाला. उसको तुम्हें
जितना तुम ऐसे ऐसे करके उसका जो बाहर है कैरेबिना से करके इतना दूर फेंक सकते हो टैंक को, तुम भी अंदर शायद चल बल सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी सब स्विमिंग कर रहे हो, बाकी सब का यहाँ तक आ रहा हो, तुम उसको फेंको, इसका काम कम करो। जब हो गया ट्यूब को उठाया, यहाँ पे आया आराम से तसल्ली से, अगर तुम्हें लग रहा है जल्दी जल्दी उठाई तो दो वेट कर लो उसका, एक और ले आई, अब दो फेंकने। बताओ भाई फिर तो शायद राहुल को तना चाहिए पानी में फिर, विच मीन्स आप भाग सकती हो क्योंकि ये भाग नहीं सकता। ये भाग सकते क्योंकि वो ट्रायंगल वाले टायर में इन्होंने बहुत अच्छी रनिंग की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छा मीन्स लीड ही थे वो उसमें, मतलब बहुत अच्छी लीड ही चल रहे थे वो, बस एक गलती हो गई थी कि उन्होंने वही बोल रही रन में अच्छा ये उस टास्क में लीड में था, बस एक गलती थी कि वो ने आप Like seriously रुक जाओ सोच खुशनुमा, तुम भागो मगर एक एक टायर पकड़ के मत भागो, चार पांच टायर गिरने दो, फिर आप चल के भी जा सकते हो क्योंकि टायर वहां पे बहुत पड़े हुए हैं। जब तू यहां से रस्सी फेंकेगा, रस्सी को तू पहले रोल कर, रोल करना आता है तेरे को? हां वो ऐसे, तो कैसे आप चाहते हैं रोल करना? हाथ में ऐसे पकड़, एक तो ऐसा होता है, नहीं हाथ में ऐसे पकड़ और यहां से रोल कर, तो ये होगा तेरा, तो ये रोल करेगा, ठीक है, रोल करने के बाद इसको ऐसे पकड़, ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो रस्सी खुलता हुआ हट जाएगा, ठीक है। टू पीपल आर नॉट ओके इन वाटर, आई देन आई यू विल बी एबल टू डू दिस, देन यू श्वेता यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टॉक टू मी एंड देन वी डिसाइड अ स्ट्रेटजी, बट यू हैव टू टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट, बिकॉज आई हैव नॉट सीन यू स्विम, मुझे मालूम नहीं कि तुमको पानी में कैसे लगता है, तुम पानी के अंदर जाओगी और नीचे पैर लगेगा और पैनिक करोगी तो वो और हमारा लॉस है, तुम मेरे से बात करो देन आई डिसाइड अकॉर्डिंगली। दिस पुलिंग स्ट्रेंथ है तुम में, आई एम श्योर यू कैन एम आल्सो, इसको ऊपर से फेंकना, यू हैव इनफ स्ट्रेंथ आल्सो। ऑलराइट 3 2 1 Come on, Shane, faster than that. Itna time nahi le sakta. Rahul, haath chala. Come on, Rahul. Come on, Shane. Chal. Rassi pakad, aage chal. Chal. Keep. Come on, Samyukta. Come on, Shweta, faster. Rahul, cover up. Come on, Shweta, that's it. Blue. You can keep it till the edge. Now come walk back. Yes, Shane has no water. Come on, keep going. Come on, Shweta. He's walking. Everybody's walking there. Shweta, pehle fake it off. Shane ke ruchya. Faster. Go there. Samyukta, go right. Go right, walk with him. He's come back. Shweta, wo le lega tu leke bhag. Walk, Samyukta, walk. Shweta, tu leke bhag. Come on. Come on, Shane! Rahul, get it up!